जी हाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। मेरे हमारे सफाई के कर्मचारी खास तौर पर जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके उस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको भी हम ज़रूर करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि नहीं, बिल्कुल इसमें कैटेगरीज में हम खिसके हैं लेकिन साथ के साथ शहरों की संख्या भी बड़ी है। लगभग 5,000 से ऊपर शहर अब इसमें आ चुके हैं जो पिछली बार से लगभग 700-800 शहर ज़्यादा हैं। और दूसरी कैटेगरीज भी बढ़ा दी गई है, 5,000 की आबादी से लेकर 5 लाख तक की आबादी तक के अलग अलग शहर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो उसी में हम भी एक 1 लाख से और 1.5 लाख से ऊपर की शहर आबादी में हम शिमला भी आता था इसमें। तो ये और पानी को किस तरह से आप रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल के लिए को कैसे तैयार किया जाता है हमारे यहाँ और हिल एरिया। और मेरा ये मानना है कि हिल एरिया और प्लेन एरिया में काम करने का जो सिस्टम है बहुत डिफरेंट है, खासकर गारबेज को लेकर के, पानी को रिसाइकल को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत टफ है, हमारे आदमी सुबह गारबेज कलेक्टर 5 बजे उठता है और 5 बजे वो मैन्युअली कैरेज करके सड़क मेन रोड तक गाड़ी में पहुँचाता है, जबकि प्लेन्स में बिल्कुल अलग होता है। वहाँ गाड़ी जाती है, गाड़ी में हर आदमी इजीली वहाँ गाड़ी में डाल करके अपने गाड़ी में पहुँचा देता है। हमारे यहाँ बड़ी टफ सिचुएशन होती है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को हम किसी भी योजना को हम धरातल पर लाने के लिए हमें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हिल एरिया होने की वजह से। और मैं तो समझता हूँ कि मैंने इस बात को भी रखा कि आप जो 16th फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसमें ले उसको लेकर के पहाड़ी राज्यों को एक अलग से एक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य ना केवल पोल्यूशन को बचाते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। उसको लेकर के कभी कोई इसमें कोई ऐसी ग्रांट नहीं मिलती है पहाड़ी राज्यों को, जो पहाड़ी हिल एरिया है, जो क्योंकि वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमारे, खासकर शिमला आप लो, आप हिमाचल लो, हिमाचल पूरे हिमाचल जो है वो पूरे नॉर्थ को ऑक्सीजन देता है और ऑर्गन का काम करता है। तो हमें कार्बन राइट्स भी मिलने चाहिए जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो क्लीन एरिया भी तभी सुरक्षित रहेगा। एनवायरनमेंट को बचाना है, सफाई को लेकर के बना, वातावरण शुद्ध तभी रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने दिल्ली में भी कही है और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और प्रदेश की और देश की सरकारों को इस चीज़ पे बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए।